नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया पर। कल्याणी महाजन के साथ अभी के ताजा तरीन हालात। विधायक कमल पटेल के बेटे ने असंगठित कामगार के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को दी जान से मारने की धमकी। किसान कर्ज माफी को लेकर बामनी द्वारा फेसबुक पर की गई पोस्ट से नाराज थे सुदीप पटेल। बाइक सवार को पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करना पड़ा महंगा। पुलिस ने भरे बाजार में युवक को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ठूसा। रतलाम के रावती थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत, दो दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक कमल पटेल के बेटे खिरकिया जनपद उपाध्यक्ष सुदीप पटेल ने असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुखराम बामने को मोबाइल फोन पर गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। ऑडियो में मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई है। सुदीप पटेल किसान कर्ज माफी को लेकर बामने द्वारा फेसबुक पर की गई पोस्ट से नाराज थे। इसमें सुखराम ने लिखा है कि अधिकृत रूप से लिख रहा हूं कि बीजेपी के हरदा विधायक कमल पटेल की धर्मपत्नी आदरणीय रेखा पटेल का भी किसान कर्ज माफ हुआ है। इस पोस्ट से नाराज सुदीप ने सुखराम के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी पत्नी के साथ ज्यादती तक करने की धमकी दे डाली। उन्होंने सीएम कमलनाथ के खिलाफ भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। इस मामले को लेकर देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे। उन्होंने खिरकिया जनपद उपाध्यक्ष सुदीप की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने सुदीप के खिलाफ कांग्रेस नेता को जान से मारने की धमकी देने और आईटी एक्ट, SC ST एक्ट व षड्यंत्र रचने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। MP भगवत सिंह बिरदे ने सुदीप पटेल की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की हैं। इसमें से 2 टीमें आसपास के जिलों में दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। बाइक सवार की पुलिस के साथ मामूली सी अनजानी हिमाकत भारी पड़ गई। पुलिस ने भरे बाजार में युवक को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ठूस दिया और पुलिसिया आतंक को देखकर एक बार लोग फिर सहम गए। गौरतलब है कि अकोड़ा निवासी संजीव कुमार वर्मा अपने छोटे भाई की शादी के सामान की खरीदारी करने बाइक से मधवापुर आया था, जहां से उसने अन्नू किराना स्टोर से कुछ सामान खरीदा और अपने घर जाने के लिए निकला। उधर बिसलपुर की तरफ से आकर 100 डायल गाड़ी रोड पर खड़ी हो गई। संजीव ने जब गाड़ी को ओवरटेक किया, उसी समय गाड़ी पर तैनात सिपाही ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट कर दी। विरोध करने पर जबरन गाड़ी में डालकर दिदोरिया थाने ले गए। इस घटना से सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और सिपाहियों द्वारा बेकसूर युवक की पिटाई कर जबरन थाने ले जाने से लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। संजीव छोटे भाई की शादी की तैयारी में लगा था। छोटा भाई अभिजीत की 8 मई को शादी है, उसी सिलसिले में खरीदारी और भागदौड़ में लगा संजीव वर्मा निहायत ही सीधा युवक है। लेकिन उसे क्या पता था कि गाड़ी को ओवरटेक करना उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक की कोई गलती नहीं थी, डायल 100 वालों ने जो किया वह गलत है। इसको लेकर बुधवार सुबह 7 बजे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने दियोरिया बिसलपुर मार्ग पर जाम कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। देखते ही देखते मामला आग की तरह क्षेत्र में फैल गया, जिसके बाद भाजपा विधायक रामशरण वर्मा, सपा नेता राम प्रताप गंगवार, CO प्रवीण मलिक समेत भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। तमाम मिन्नतें करने के बाद भी ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। अभद्रता करने वाले दोनों कांस्टेबल पर विधायक भी मुकदमा लिखवाने का आश्वासन देते रहे। कुछ समय बाद विधायक भी पुलिसिया भाषा बोलते हुए नजर आए। HSO दीरिया ने बताया कि बाइक सवार ने डायल 100 पुलिस कर्मी के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर धरने पर बैठे हुए हैं। सौदा लेने के आए थे शादी की, और इन्हें अचानक पीछे से आके 100 नंबर वालों ने गाड़ी में टक्कर मार दी और आपस में मारपीट करने लगे। उन्होंने मार मुड़ के उसने गाड़ी में लाद लिया। वो अकेले थे घर से अकेले ही आए थे। पैसा कितना था? 52,000। पैसे भी लिए पुलिस ने? अब हमें क्या मालूम पैसा लिए क्या क्या उनकी, तो जब मेरे उनकी जेब में पैसे नहीं मिले फिर हमारे घर पे कुछ नहीं पहुंचा। वो घर से कितने पैसे लेके आए थे? हमारे घर से लेके आए 52,000। इस मामले में ये है कि जो उन्होंने प्रकरण लिया है उसमें जो दोस्त जिसको भेजे हैं
उसको वापस छुड़वा रहे हैं, और जो तहरीर इस तरह की दे रहे थे उसका जांच होगी, जांच के खिलाफ जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई। एक डायल 100 किसी इवेंट पर जा रहे थे, रास्ते में किसी बाइक से रन किया, वो थोड़ा बच हो गई, उसके बाद यहाँ जो डायल 100 थी वो उसको थाने ले गई, उन्होंने एक मुकदमा बंदी केस कराया कि उसमें जमा की, बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ और लोगों में असंतोष था, तो वो लोग कहे कि उसको गलत भेज दी, उसका परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण के बाद मामला संज्ञान में आ रहा है कि डायल 100 वाले जो थे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग किया और उनकी जांच की जा रही है, और जो व्यक्ति था उसके खिलाफ मतलब कोई इस तरह का कोई अपराध नहीं बन रहा उसको। यहाँ पे कल ये कोला डोंगमिया के हैं, तो एक तो अपने भाई की शादी का सामान लेने आए थे जी, तो 100 नंबर कोला के रहने वाले हैं, तो 100 नंबर जो गाड़ी आई थी उसमें 3 पुलिसकर्मी थी। अच्छा। उनने इसकी मोटरसाइकिल पास से निकली भी नहीं, बल्कि बहुत बेरहमी से मारा, उसका वीडियो भी है, सब मैंने भी देखा और सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ जी। तो उसकी जिस बेरहमी के साथ पिटाई की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस का एक तरफा गुंडा राज चल रहा है, और इस पे हम लोग कार्रवाई भी चाहते हैं, और उसके बाद में हम लोग इस पे इस समय धरना स्थल पे बैठे हुए हैं मंदापुर सड़क पे, तो इसमें जो पीड़ित परिवार है उसके साथ है, जो उसके परिवार में शादी भी है, और हम लोग समाजवादी लोग हैं, ऐसे में हम लोग हर लड़ाई लड़ना जानते हैं, मजदूर किसान मजलूम की लड़ाई हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, और जो भी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है, पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, गुंडा राज कायम कर दिया है इन लोगों ने। धरना चलने का कारण, कल यहाँ माधोपुर में 100 नंबर में जो भी सिपाही रहे होंगे उन्होंने संजीव वर्मा को निर्दोष पकड़ करके यहाँ मारपीट की, यहाँ से पकड़ कर थाने ले गए, वहाँ मारपीट की, और इस प्रकार से झूठा मुकदमा लिख करके उनको जेल भेज दिया। इसके लिए जनता में भारी आक्रोश है, उस क्रम में आज यहाँ ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। धरना कर रहे हैं, उसको बेफजूल यहाँ मारा, उनको ले जाकर बिना लिखा पढ़ी लिखा पढ़, और वहाँ जाकर उन्होंने फिर उसको मारा, और मार के उसे तत्काल उसे जेल भेज दिया। किसके साथ मारपीट हुई है? किसके साथ मारपीट हुई? जो अंबुज जो संजीव, हाँ संजीत है, और जो गाड़ी चलती है 100 नंबर उस पर उन्होंने आके उसे मारने लगे। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं उनको जेल भेजा जाए। किनको? जिन लोगों ने मारा है। किसने मारा है? नाम तो हम जानते नहीं है, वो 100 नंबर वाले पुलिस वाले जो हैं। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडिया पाड़ा के पास घाट पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के ग्राम कड़वाली से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर घायल और मृतका एक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित करने कुंडिया पाड़ा के पास माही नदी पर जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा घट गया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया, घायलों को तत्काल रावटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। 8 गंभीर घायलों को रतलाम जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज अभी 11:30 बजे करीबन थाना रावटी क्षेत्र के कुंडियापाड़ा गांव में एक ट्रैक्टर ट्राली से पलट गया, जिसमें कि करीबन 30-35 व्यक्ति सवार थे, जो कि करीबन 30 व्यक्ति करीबन घायल हो गए, जो राजस्थान के बांसवाड़ा के कुंडियापाड़ा गाँव के लोग हैं, जो माही नदी में अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए आ रहे थे, जिनको सभी को तत्काल ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने रावटी में उनको भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है, और ज़्यादा जो घायल है उनको रतलाम से करवाया गया, जिसमें करीबन एक महिला की डेथ हो गई, बाकी का इलाज चल रहा है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बुंदेलखंड में कई सभाएं की। इसमें पन्ना जिले के अमानगंज में सभा के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के खूब नारे लगवाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के 15 पूंजीपतियों की चौकीदारी करते हैं और जनता का 30,000 करोड़ राफेल के माध्यम से लूट कर पूंजीपतियों के जेब में डाला करते हैं। हम किसानों का पैसा माफ करना चाहते हैं, पर चौकीदार जनता का पैसा चोरी कर पूंजीपतियों की जेब में डाल रहा है। मगरा पता लगाओ ज्यादा से ज्यादा कितना दिया सकता है, एक शक है, और व्यवस्था नष्ट नहीं होनी चाहिए, नोटबंदी जैसा काम नहीं होना चाहिए, गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम नहीं होना चाहिए। चिदम्बरम जी गए, 4 महीने बाद वापस आते हैं, पूरी टीम आई, मुझे कहते हैं राहुल जी हमें पता लगा दिया। मैंने कहा भैया मैंने तो आपसे नंबर मांगा था, भाषण नहीं सुना मैंने।
सामने है, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। हमारे सामने कौन सी चुनौती नहीं थी जब हमने प्रदेश को संभाला, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। आज आप बात कर रहे हैं नहर की, पानी की। 15 साल भारतीय जनता पार्टी, आपने हमारे गरीब किसानों की पुकार नहीं सुनी। रतलाम जावरा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जावरा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैनवास के रंग लोकतंत्र के संग थीम पर आयोजित इस चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान जावरा के बच्चों के साथ साथ रतलाम से पहुंचे कलेक्टर एसपी ने भी अपने हाथों में कूची लेकर मतदाता जागरूकता का संदेश दीवार पर उकेरा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अपने हाथों से दीवार पर भारत का नक्शा बनाते हुए वोट फॉर इंडिया 19 मई 2019 अंकित किया। पुलिस अधीक्षक गौतम तिवारी ने भी मतदाता जागरूकता को लेकर प्रेरक वाक्य अंकित किया। इस अवसर पर जावरा एसडीएम एमएलआर तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।